कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया है कि हर कांग्रेसी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आरोप लगाया कि बीजेपी ने आतंकवादी मसूद अजहर को छोड़ा और अब राष्ट्रवाद की बात कर रही है। चंबल के भीड़ों के आसमान में इस वक्त हमारे साथ हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के स्टार कैंपेनर, जो अपनी गुना और शिवपुरी सीट के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में, जैसे आज उनका पूरा दौरा चल रहा है मुरैना सीट पर, भिंड सीट पर, तो आप मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन सर, क्या ये चुनाव का कौन सी ऐसी बात है, मुद्दा आपको लगता है कि 44 से कांग्रेस आगे बढ़ेगी? देश की जनता की आगाज है कि जिस सरकार ने देश की जनता के आंखों में 5 साल धूल झोंका है, देश की जनता उस सरकार को धूल चटाने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है। सबका साथ सबका विकास, ये एक नारा होता था, लेकिन अभी चुनाव घूम फिर के राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जब आपके पास कुछ उपलब्धि ना हो गिनाने के लिए, जब आपने 5 साल कुछ किया ही ना हो, तो फिर आप वापस जो मैथमेटिक्स में एक थीसिस है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, आप वापस वहीं जाओगे। और इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वही है, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद। और जिस सरकार के कार्यकाल में संसद में हमला हुआ, जिस सरकार के कार्यकाल में मसूद अजहर को सरकारी प्लेन में बैठाकर उनको विदेश मंत्री एस्कॉर्ट करके मेहमान के रूप में अफगानिस्तान छोड़ने गए, वो सरकार राष्ट्रवाद की बात कर रही है। सर, इस बात का बड़ा उपहास उड़ाते हैं बीजेपी वाले कि सोमवार को ये प्रधानमंत्री, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, और मतलब एक तरह से कि राशन की दुकान में जो कतार होती है वैसी ये गठबंधन और ये तमाम दूसरे लोगों के पास प्रधानमंत्री पद के लिए कतार है। प्रधानमंत्री पद के लिए भी निर्णय लिया जाएगा हमारे गठबंधन में, गठबंधन के नेताओं के द्वारा। यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं और सभी नेताओं को साथ में लेकर प्रधानमंत्री के दावेदार का निर्णय लिया जाएगा 23 तारीख के बाद। जब निर्णय हमारे सामने आए, भाजपा के गठबंधन में क्या निर्णय लिया जाएगा वो स्वयं जाने। राहुल गांधी हो सकते हैं प्रधानमंत्री? जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं मानता हूँ कि हर कांग्रेसी चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। पर जैसे मैंने आपको कहा कि हम बीजेपी और मोदी जी नहीं हैं, जहाँ सब निर्णय एक व्यक्ति लेता है। आंधियों की जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, आंधियों का जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमारी भी जिद है आशियाँ वहीं बनाने की। ये इसके साथ हमारा सफ़र भी पूरा हुआ है भिंड से मुरैना का। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ हवाई दौरे कर रहे हैं, ताबड़तोड़ दौरे मध्य प्रदेश में जारी हैं और गुना के अलावा दूसरी सीट पर भी चुनाव प्रचार चल रहा है और स्टार कैंपेनर की तरह पूरे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनाव प्रचार चल रहा है। मनोज शर्मा, मुरैना, न्यूज 18 इंडिया।